उत्तर प्रदेश में चल रही बोर्ड परीक्षा में मंत्री का छापा। आपको बता दें, प्रदेश में चल रही बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन कराने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। परीक्षा के दौरान कहीं गड़बड़ी ना हो, इसके लिए अफसरों के साथ ही सरकार के मंत्री भी जिलों में निरीक्षण कर परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी बरेली पहुंची, जहां तमाम परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। इसके साथ ही परीक्षा के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का जायजा लिया। मंत्री ने मेथोडिस्ट इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, एसबी इंटर कॉलेज सहित आधा दर्जन कॉलेजों में निरीक्षण के दौरान इस्लामिया इंटर कॉलेज के छात्राओं अंधेरे में परीक्षा देती मिली, जिस पर मंत्री ने जनरेटर चलवाने के निर्देश दिए। मैडम, जानना चाहेंगे आपने निरीक्षण किया है परीक्षा केंद्रों पे, किस तरीके से निरीक्षण हुआ, क्या कोई कमी पाई गई क्या? आप हमारे साथ रह रहे हैं, हर जगह जाके देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी हैं। हमारे साथ में जेडी साहब हैं, डीआईएस साहब हैं, अन्य सब पदाधिकारी हैं और आप भी हैं, तो कमियां ढूंढने वो अलग बात है, वैसे कहीं मिली नहीं। आप यहाँ जब सारी व्यवस्था सब सही है, यहाँ जब आए थे क्लासों में अंधेरा था, कोई अंधेरा नहीं, आप बाहर से लाइट में से आए ना, तो इसलिए लग रहा है आपको लाइट नहीं, 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 नहीं सब जगह रोशनी है, ऐसी बात नहीं। अंधेरे में बच्चे कैसे लिख पाएंगे? अब चूंकि आप इतने चकाचौंध से आ रहे हैं तो आपको अंधेरा दिख रहा है। आपके आने के बाद जनरेटर चलाने की बात थी, तो जनरेटर नहीं चला रहा। व्यवस्था है, लाइट चली जाती है तो जनरेटर तो चलाना ही पड़ेगा। व्यवस्था सब सही है, आप भी मान रहे हैं इस चीज़ को? सब जगह जहाँ गए सब, हाँ सब जगह बहुत ठीक ठाक मिला है। ठीक है।